हेलो गाइज, मेरा नाम है विभू। आज की वीडियो हम करने वाले हैं फोर्ड इको स्पोर्ट के डीजल वेरिएंट का माइलेज टेस्ट। 2021 वेरिएंट है ये, अप्रैल मंथ का, तो 3 महीने पुरानी ये गाड़ी है। इसकी फर्स्ट सर्विस भी हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे इसका टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट की। देखते हैं फोर्ड इको स्पोर्ट 2021 वेरिएंट कितना माइलेज दे देती है सिटी में और हाईवे पे टैंक टू टैंक। MID की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, टैंक टू टैंक की बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल मैं आपको गाड़ी की MID दिखा देता हूँ कि फिलहाल इसमें कितना फ्यूल और कितनी गाड़ी चली हुई है। आप देख सकते हैं इसमें हाफ टैंक फ्यूल इसमें अभी भी है, हम इसे फुल करवाएंगे। और आप देख सकते हैं इसके किलोमीटर 1868.0 किलोमीटर से ये गाड़ी अभी चली हुई है। तो चलते हैं पेट्रोल पंप की तरफ और भरवाते हैं इसमें फ्यूल। तो मैंने इन भाई से बोल दिया है कि जब तक ऑटो कट नहीं होता तब तक इसमें फ्यूल फिल होने दे, और उसके बाद भी हम इसमें और भी फ्यूल डालेंगे, देखेंगे कितना और फ्यूल इस गाड़ी में आ जाता है। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं 89 रुपये लीटर इसमें यहाँ पे डीजल है, और देखते हैं इसमें कितना डीजल आ जाता है टोटल। तो अभी फिलहाल ऑटो कट हो चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं 24 लीटर तक इसमें डीजल आया है ऑटो कट तक। अब हम इसमें और फ्यूल भरवाते हैं ऑटो कट के बाद, और देखते हैं इसमें और कितना फ्यूल आ सकता है ऑटो कट के बाद। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसमें भैया देखो डाले जा रहे हैं यहाँ पे डीजल, आपको दिख भी रहा होगा इसमें थोड़ा थोड़ा, देख सकते हैं आप झाग बाहर आने लगे हैं, तो मतलब थोड़ा बहुत टैंक और बच रहा होगा इसका खाली। देखते हैं अभी कितना ये ऑटो कट के बाद फ्यूल चला जाता है इसके अंदर। 50 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक है फोर्ड इको स्पोर्ट डीजल वेरियंट की। लगभग इसके ऑटो कट के बाद भी आप देख सकते हैं काफ़ी फ्यूल इसके अंदर जा चुका है, कम से कम 2.5 से 3 लीटर तक अभी इसमें और भी फ्यूल चला गया है ऑटो कट के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीजल ऊपर तक फुल हो चुका है इसके टैंक में, और जो टोटल फ्यूल आया है इस कार में वो है 25.95 लीटर ₹2333 का। तो अब चलते हैं कार के इंटीरियर में, और मैं दिखाता हूँ आपको इस कार की MID में कितना फ्यूल अब गाड़ी दिखा रही है, और फिर करेंगे इसका टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट और देखेंगे फोर्ड इको स्पोर्ट डीजल वेरिएंट में कितना माइलेज दे देती है 2021 में। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी फ्यूल की जो सुई है वो बिल्कुल ऊपर तक मिल चुकी है, यानी कि गाड़ी का फ्यूल टैंक है ना वो बिल्कुल फिल हो चुका है ऊपर तक। और किलोमीटर्स भी आप देख सकते हैं 1868 गाड़ी अभी चली हुई है। तो आप चलते हैं इस कार को लेकर हाईवे पर और देखते हैं ये गाड़ी कितना माइलेज देती है हाईवे पर, और कुछ किलोमीटर्स हम इस कार को सिटी में भी चलाएंगे। तो ये एक मिक्स माइलेज टेस्ट होगा हाईवे का और सिटी का, और जो हमारी ड्राइविंग स्टाइल होगी वो बहुत ही ज़्यादा हार्श ड्राइविंग स्टाइल होगी। हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि ये गाड़ी कम से कम कितना माइलेज दे सकती है अगर आप इसके गियर शिफ्टिंग हाई RPMs पे करते हैं, बिल्कुल खींच कर गाड़ी को चलाते हैं, तो कम से कम इको स्पोर्ट का डीजल वेरियंट कितना माइलेज दे सकता है। तो इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, और काफ़ी सारे बंदों को ये भी लगता है अगर वो गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा खींच कर चलाते हैं तो उनकी गाड़ी का जो माइलेज है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो हम वही चीज़ दिखाने वाले हैं इस इको स्पोर्ट में, अगर आप ये गाड़ी बिल्कुल खींच कर चलाने वाले हैं तो कितना कम से कम माइलेज आपको ये गाड़ी देगी। इस वीडियो में हमने बिल्कुल ये गाड़ी खींच कर चलाई है, तो आप लोगों को आज एक अच्छा सा लाइव प्रूफ मिल जाएगा कि इको स्पोर्ट का डीजल वेरियंट कितना अच्छा माइलेज देता है या कितना बेकार माइलेज देता है। वीडियो में आप लोगों को सब पता लग जाएगा। अभी भी आप देख सकते हैं RPM 2500 पे, और जो स्पीड है वो कम से कम 120 की हमने सेट कर रखी है इस पर अभी भी, और किलोमीटर्स भी आप लोग देख पा रहे होंगे 1917 किलोमीटर की गाड़ी अभी चल चुकी है। जब हमने फ्यूल भरवाया था जब 1868 किलोमीटर की गाड़ी चल चुकी थी, तो गाइज हमने गाड़ी अभी तक 1940 किलोमीटर चला दी है। मैं आपको दिखा देता हूँ MID में, और अभी हम इसे टोटल हाईवे पर ही चला रहे हैं, कोई भी ट्रैफिक यहाँ पे नहीं है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है इसलिए हमने थोड़ी स्पीड कम कर दी है, 90 पर चला रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ रही है, बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है रोड पर। तो अगर आप लोगों को अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो गाइज अभी भी कार हाईवे पर चल रही है और देख सकते हैं आप कितना बढ़िया ये हाईवे है, कोई भी यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह नहीं है ज़्यादा। 1964 किलोमीटर गाड़ी अभी तक चल चुकी है फ्यूल भरवाने के बाद, और जो कार की MID में माइलेज शो हो रहा है वो 19 का हो रहा है क्योंकि इतना अच्छा हाईवे है, कार टॉप गियर में चल रही है 5th गियर में इतनी देर से, तो काफ़ी अच्छा माइलेज शो कर रही है MID में। बाकी मैं आपको टैंक टू टैंक माइलेज तो एंड में दिखाने वाला ही हूँ, आपको पता लग जाएगा किस तरह का माइलेज दिया है इस कार ने हाईवे पर और सिटी में चलाने पर टैंक टू टैंक में। कुछ लोगों के कंपेयर भी हो जाएगा टाटा नेक्सोन से या XUV 300 से इस फोर्ड इको स्पोर्ट के डीजल वेरिएंट का, लोगों को लगता है इको स्पोर्ट काफ़ी कम माइलेज देती है, तो आज पता लग जाएगा इको स्पोर्ट कितना कम माइलेज देती है कितना अच्छा माइलेज देती है, सभी आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। अभी फ़िलहाल कार 1997 किलोमीटर चल चुकी है, तो काफ़ी किलोमीटर हमने गाड़ी चला दी है, जब हमने फ्यूल फिल कराया था 1868 किलोमीटर गाड़ी चली हुई थी, तो लगभग 100 किलोमीटर हमने कार चला दी है। ये अभी इस कार को लेकर सिटी में भी चलेगी तभी एक मिक्स माइलेज बन पाएगा सिटी का और हाईवे का। अभी बात करते हैं आपको एक सब 4 मीटर SUV लेनी है अगर, तो ये 3 गाड़ियाँ ज़्यादातर अवेलेबल है डीजल में, आपकी फोर्ड इको स्पोर्ट,
टाटा नेक्सोन या महिंद्रा एक्सयूवी 300। काफ़ी सारे लोगों को महिंद्रा एक्सयूवी 300 भी पसंद आती है और सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन भी है उसका इन तीनों गाड़ियों में डीजल में। उसका पेट्रोल इंजन जो है वो भी इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल है। बस एक जो दिक्कत है एक्सयूवी 300 में वो है उस कार का बूट। आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको उस गाड़ी के बूट से प्रॉब्लम है या नहीं। काफ़ी छोटा बूट है, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं जैसे कि मैं जा रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है लगेज रखने में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटा बूट उस गाड़ी में मिलता है। पर जो उस कार की सेफ्टी रेटिंग है या बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी सेफ्टी रेटिंग मिलती है 5 स्टार की उसके साथ। तो अगर आपको एक 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग कार चाहिए पावरफुल इंजन के साथ तो आप उस गाड़ी को जरूर ले सकते हैं। वहीं बात करें टाटा नेक्सोन की तो टाटा नेक्सोन भी एक अच्छा ऑप्शन है इस सेगमेंट की कार्स में, क्योंकि ये गिनी चुनी 2-3 गाड़ियाँ आती है डीजल में। ब्रेजा वगैरह आपकी सभी पेट्रोल में आती है तो उसमें आपको डीजल देखने के लिए नहीं मिलता। वहीं अगर आप एक पेट्रोल में कॉम्पैक्ट एसयूवी देख रहे हैं तो आप मारुति ब्रेजा को जरूर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी कार है, काफ़ी अच्छे इंजन के साथ वो आती है, 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आती है जो कि माइलेज वगैरह भी काफ़ी अच्छा निकाल देता है। अगर कंपेरिजन करोगे पेट्रोल इंजन से टाटा नेक्सोन या महिंद्रा एसयूवी 300 और फोर्ड इकोस्पोर्ट के पेट्रोल इंजन से। तो ये तो बात हुई इन तीनों गाड़ियों के कंपेरिजन की। बात करते हैं इस माइलेज टेस्ट की ही। आप देख सकते हैं 2032 किलोमीटर्स गाड़ी चल चुकी है फिलहाल, अभी ये हाईवे पर ही चल रही है। अभी कुछ ही सेकंड्स बाद गाड़ी को हम सिटी में लेकर चलेंगे, वहाँ पे टेस्ट करेंगे इसका सिटी माइलेज टेस्ट। आप देख सकते हैं गाड़ी अब सिटी में चल रही है फिलहाल, सामने देख सकते हैं ट्रैफिक भी है। 2155 किलोमीटर्स गाड़ी चल चुकी है फिलहाल, और अभी कुछ किलोमीटर्स हम कार को सिटी में ही चलाने वाले हैं क्योंकि अभी हमने हाईवे पर काफ़ी गाड़ी चला ली है और फिर इसके बाद हम चलेंगे उसी सेम पेट्रोल पंप पर। और इसका फ्यूल MID में आप लोग देख सकते हैं 2255 किलोमीटर्स गाड़ी चल चुकी है अभी। तो गाइज हम आ चुके हैं उसी सेम पेट्रोल पंप पर जिसमें हमने पहले डीजल डलवाया था इस कार में। टैंक टू टैंक अभी चेक करेंगे कितना माइलेज दिया है कार। अभी फिर से हम इस कार का डीजल टैंक फुल करवाएंगे वापस से जब तक ऑटो कट नहीं होता, और उसके बाद भी हम इसमें डीजल डलवाएंगे जैसे कि हमने पहले वीडियो में दिखाया था। उसी तरीके से हम फिर से करने वाले हैं, पूरा फुल टैंक करवाएंगे ऊपर तक ऑटो कट के बाद भी। तो अगर किसी भाई को लग रहा हो कि ये वही फिलिंग स्टेशन नहीं है तो मैं आपको इसकी स्लिप भी दिखा दूँगा जिससे मैंने डीजल डलवाया है। इतने पैसों का दोनों स्लिप दिखा दूँगा, पहले वाली और अभी वाली भी। तो हम सेम नोजल से डलवाएंगे, नोजल 3 है वो जिससे हमने सुबह डलवाया था, उसी नोजल से डलवाने वाले हैं अभी फिर से इसमें फ्यूल। तो मैं आपको एक बारी MID दिखा देता हूँ इस कार की, अभी इसमें कितना फ्यूल और क्या MID दिखा रही है। तो आप देख सकते हैं इसमें हाफ टैंक फ्यूल अब फिर से हो चुका है और MID आप देख सकते हैं 2289 पर आ रखी है। तो अभी हम चलते हैं गाड़ी के बाहर और कार के डीजल टैंक को फुल करवाते हैं ऑटो कट के बाद भी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आपका इसका फ्यूल टैंक ओपन कर दिया है। यहाँ से देख सकते हैं आपको कोई भी जैसे पहले दिख रहा था ऊपर तक फ्यूल, अब कुछ भी नहीं है क्योंकि हाफ टैंक हो चुका है। वो करवाते हैं इसके फ्यूल टैंक को फुल, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊँगा गाड़ी ने कितना माइलेज दिया है, अच्छा है या बेकार है, वो सब भी आपको पता लग जाएगा। तो भाई अब कर रहे हैं इसका फ्यूल टैंक फुल ऑटो कट तक। तो अभी तक तो ऑटो कट नहीं हुआ है, अभी तक फ्यूल जा रहा है, अभी ऑटो कट बस होने वाला है क्योंकि काफ़ी डीजल अंदर जा चुका है। तो अब ऑटो कट हो चुका है, अब ऑटो कट होने के बाद भी मैं इसमें डलवा रहा हूँ ऊपर तक बिल्कुल फुल करके दिखाऊंगा जैसे कि मैंने शुरुआत में दिखाया था आप लोगों को, और फिर देखते हैं कंपेयर करके कि कितना फ्यूल आ गया है गाड़ी में अभी फिर से। तो अभी तक इसमें अभी भी जा रहा है काफ़ी सारा फ्यूल, देख सकते हैं आप पास से झाग आने लगे हैं, इसका मतलब अब फिर से इसका फ्यूल टैंक फुल होने वाला है। तो इस कार का फ्यूल टैंक बस कुछ ही सेकंड्स में फुल होने वाला है, फिर कार के अंदर बैठ के एक बारी कैलकुलेट करेंगे इसका माइलेज। तो आप देख सकते हैं इसका डीजल टैंक बिल्कुल फुल हो चुका है ऊपर तक। माइलेज कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर TDCI लिखा हुआ है, ये कार डीजल ही है। और अब बैठते हैं कार के अंदर और मैं दिखाता हूँ आपको इसकी दोनों स्लिप्स। तो ये है फिलहाल इसकी, अभी जो हमने डीजल इसमें डलवाया है उसकी स्लिप 27.66 लीटर इसमें डीजल आ गया है ₹2487 का। और ये है इसकी पहले वाली डीजल स्लिप जो हमने पहले इसमें डलवाया था, तो जब इसमें आया था 25.95 लीटर। तो आप बात करते हैं इसके कैलकुलेट करके माइलेज की, तो आप देख सकते हैं 2289 किलोमीटर अब ये चल चुकी है गाड़ी टोटल, और सुबह 1868 किलोमीटर चली थी, तो 421 किलोमीटर कार चल चुकी है टोटल। तो आप कैलकुलेट करते हैं इसके माइलेज को, तो ये कुछ माइलेज निकल कर आया है 15 किलोमीटर पर लीटर का इको स्पोर्ट 2021 डीजल से। तो काफ़ी अच्छा माइलेज निकल कर आया है क्योंकि हमने काफ़ी हार्स यूज़ करी थी कार। अगर आप इसे नॉर्मल यूज़ करेंगे तो आपको 18-19 तक का भी ये माइलेज आराम से दे देगी।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आपको इको स्पोर्ट के टॉप मॉडल स्पोर्ट्स मॉडल की वीडियो देखनी है वो भी चैनल पर अपलोड है, या फिर आपको इको स्पोर्ट के बेस वेरियंट का रिव्यू देखना है, म्यूजिक सिस्टम टेस्ट देखना है तो वो भी चैनल पर अपलोड, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।